अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो राइट की तरफ कर्व को शिफ्ट करवाते हैं और कौन कौन से फैक्टर लेफ्ट की तरफ कर्व को शिफ्ट करवाते हैं। तो यहां हम लोग देखेंगे कि जब पीएच बढ़ रहा है तो कर्व किधर शिफ्ट होता है, लेफ्ट की तरफ। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम रहेगा तब कर्व किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है मतलब क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है यानी एफिनिटी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, एफिनिटी बढ़ेगा तो कर्व किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ, कोई कंफ्यूजन नहीं, नहीं सर। जब टेम्परेचर घटेगा तब भी कर्व शिफ्ट होता है लेफ्ट की तरफ। ये डीपीजी है, डीपीजी का क्या मतलब है, बाईफोस्फो ग्लिसरेट है ये, या डाईफोस्फो ग्लिसरेट, ठीक है ना जी सर। ये मॉलिक्यूल भी जब रहता है तो कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट कराने लगता है, ये रिड्यूस करता है एफिनिटी को। लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ एरो है मतलब डीपीजी यहाँ पे क्या है, कम है। जब डीपीजी कम होगा तो हमारा क्या होगा, एफिनिटी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इस फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, एफिनिटी को घटाने का काम करता है। तो जब ये कम रहेगा तो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो यहां से बस हमें ये बातें ध्यान में रखनी है कि व्हाट आर दी फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द कर्व एंड द राइट शिफ्ट ऑफ द कर्व। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। सिग्मोइडल। फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर आंसर दो। सिग्मोइडल आंसर नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन। हमने जो बताया था सिग्मोइडल या एस सेपेड वो किसका बताया था, हीमोग्लोबिन के, ठीक है ना जी सर। हीमोग्लोबिन में कितने मायोग्लोबिन है, चार मायोग्लोबिन है ना। जब एक मायोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है तो इसका एफिनिटी बढ़ जाता है, जो दूसरा तीसरा चौथा खाली है इसका एफिनिटी बढ़ जाएगा और ये और ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन को अपटेक करना चाहेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। कोऑपरेटिव बाइंडिंग, कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब है कि वन मॉलिक्यूल के बाइंडिंग के बाद जो नेक्स्ट बचे हुए हैं उसका एफिनिटी जब बढ़ जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। इसीलिए इसका कर्व सिग्मोइडल आता है, पहला बाइंड करता है तो तेजी से दूसरा भी बाइंड करने लगता है, तीसरा भी बाइंड करने लगता है। जब सारे बाइंड कर जाते हैं तो एक प्लेटिव फेज आ जाता है, कॉन्स्टेंट फेज आ जाता है। इसीलिए जो कर्व मिलता है वो कैसा मिलता है, एस सेपेड मिलता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे था मायोग्लोबिन के लिए, तो मायोग्लोबिन में जो होगा वो कर्व मिलता है हाइपरबोलिक। कैसा होता है, हाइपरबोलिक, ऐसा कर्व मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां मायोग्लोबिन के लिए पूछा गया है तो हाइपरबोलिक हम लोग लगाएंगे और क्वेश्चन में ध्यान देना है कि मायोग्लोबिन है या हीमोग्लोबिन है। ठीक है ना, जैसे यहां मायोग्लोबिन का दिखाया गया है ये नीचे ऐसे ऐसे अब हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे जाने के बाद से गिरने लगेगा नीचे की तरफ। तो ये हाइपरबोलिक कर्व है, ये कर्व कैसा है, हाइपरबोलिक, और ये एस सेपेड है हीमोग्लोबिन का। तो याद रखना है हीमोग्लोबिन कैसा होगा, एस सेपेड होगा या सिग्मोइडल होगा, ठीक है, और मायोग्लोबिन कैसे होंगे, हाइपरबोलिक होंगे, ठीक है ना। मायोग्लोबिन का कर्व हाइपरबोलिक होगा, ठीक है। तो बाद बाकी हम लोग कल सुबह क्लास में देखेंगे।